ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, जैसे ही गाइस आप सभी को हर वीडियो में मिलता है। तो गाइस, आप लोग जो अभी इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जाना है ऐसे ऐड फोटो पैन का, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, मॉडल को ऐड करने के बाद इतना साइज रख के आपको फोटो को डन कर देना एंड चले जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना है इसके एक ग्रास का पीएनजी। एंड गाइस, इस पीएनजी को ऐड कैसे करना है आप सभी को इसको फुल स्क्रीन करना है एंड कुछ स्टेप्स यहां पे ऐड कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको इसका एडजस्टमेंट से जाकर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको, यानी कि मतलब जो बैकग्राउंड में जो ग्रास है उससे मैच कराने से, तो उसको मैच कराने के लिए आपको जाना एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जाने के बाद आपको सामने कुछ ऐसी सेटिंग्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको सैचुरेशन में जाकर इसका सैचुरेशन माइनस करना है। एंड उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को चल जाना है कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट का जो यहाँ पे ओपेसिटी को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद टेम्परेचर में जाकर टेम्परेचर जिसको माइनस की तरफ कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ से आपको हाईलाइट में चले जाना है। हाईलाइट में आपको उसका हाईलाइट भी कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको कर देना है डन। इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को इसमें एक लाइट का पीएनजी दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, मतलब पीएनजी नहीं लाइट दिख रही होगी, तो वहाँ पे आपको जो है मतलब अपनी बॉडी में भी दिखाने के लिए आपको ये करना है, आपको यहाँ पे जाना ऐड फोटो में एंड यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक लाइट की पीएनजी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको अपने शोल्डर की तरफ इस जगह पे यहाँ पे ऐसे लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपकी फोटो में एक रियलिस्टिक सा लुक आएगा एंड जो है मतलब एक रियलिस्टिक फील आएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को अपनी फोटो को जो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को डन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सेव कर लेना है एंड इसको लेके चलना है आपको लाइटर मैप में, ताकि इसको रीटच करके जो है और भी मस्त बना दें हम। ठीक है, तो लाइटर मैप को हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप फोटो को भी ऐड कर ही रखा है, तो उसके लिए हम जाएंगे अब डायरेक्ट इस लाइट में। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को माइनस कर देंगे एंड जो हाईलाइट है इसको माइनस कर देंगे, शेडो को इंक्रीज कर देंगे एंड जो वाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा माइनस कर देंगे एंड जो ब्लैक है इसको इंक्रीज कर देंगे। फिर उसके बाद जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हमें वाइब्रेशन बढ़ाएंगे एंड उसके बाद चले जाएंगे ऐसे टेम्परेचर माइनस करके मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड ल्यूमिनस बढ़ा देंगे। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को जो है यहाँ पे ग्रीन कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से जाना है डार्क ब्लू में। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे ह्यू को ऐसा भी रख सकते हो और स्काई ब्लू डार्क ब्लू आपके ऊपर है, तो आपके आपको डन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे वाले टूल में जाना है, आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है एंड फोटो में जो है विग्नेट डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, फोटो में नोटिफिकेशन डाल देना एंड इसके नीचे आपको कलर नोटिफिकेशन आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ सभी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।